ये बात आप जानिए, घर के मंदिर में एक लोटा जल रखने से क्या होता है और उस जल का हमें क्या करना चाहिए। कोई भी ऐसा सनातनियों के घर ना हो जिसके घर के मंदिर में एक लोटा जल ना हो, ठीक है। तो आप लोग इस बात का ध्यान दें, मंदिर बिना जल के कभी ना रखें। आपके घर के मंदिर में अगर लोटा में पात्र में जल भर के नहीं रखा हो तो आप भगवान को खुश नहीं कर पाओगे। हमेशा एक पात्र में जल भरा हुआ रहना चाहिए। और सवाल ये भी आता है, मंदिर में पात्र में जल रखें तो कौन से पात्र में रखें, चांदी का ग्लास हो या फिर चांदी का लोटा हो। अगर चांदी के छोटे से बर्तन में भी आप जल भर के हमेशा रखते हो तो आपके घर के मंदिर की देव प्रतिमा कभी चटक नहीं सकती, इतनी बड़ी महिमा है। देव प्रतिमा भगवान के मूर्ति विग्रह कभी चटक नहीं सकता। आपके घर में अगर संभव हो तो चांदी के पात्र में रखें, नहीं हो तो तांबे के बर्तन में, तांबे के लोटे में हमेशा जल भर करके रखा होना चाहिए। ऐसा आप नियम बना लीजिए, कभी भी आपके घर की मूर्तियां चटक नहीं सकता। और वो जल का क्या करना चाहिए, जो जल आपने कलश में भर रखा है दूसरे दिन रोज नित्य नया जल हमें बदलना चाहिए। दूसरे दिन वो जल किसी सरोवर में डाल दें या फिर किसी पेड़ के नीचे वृक्ष में आप डाल सकते हैं, बगीचे में आप डाल सकते हैं। भगवान के मंदिर पर रखा गया जो जल होता है अपवित्र जगह पर ना डालें, इस बात का भी ध्यान दें। और मंदिर में हमेशा दीपक जलना चाहिए, सुबह और शाम के समय में हमेशा मंदिर में दीपक जला मिलना चाहिए। और ध्यान रहे कि जो आपके दीपक हैं मंदिर में जो दिया जलाते हो, कभी भी फूंक मार के दीपक को ना बुझाएं, क्योंकि अग्नि देव हैं, अग्नि देव को हम फूंक मार के नहीं बुझा सकते। जलते दीपक को अगर फूंक मार के बुझाते हैं तो थूक भी गिर सकता है, छींटे गिर सकते हैं, ये अपवित्र हो जाएगा, इसलिए ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। और कई लोग रसोई घर की बात करें तो रसोई घर को मंदिर समान माना गया और कई लोग रसोई घर में अग्नि के ऊपर मांसाहार बनाते हैं, ऐसे लोगों को धिक्कार है। जो लोग अपने घर में मांस पकाते हैं, मांसाहार बनाते हैं, ऐसे घर को तो, ऐसे घर में तो दरिद्रता आएगी, ऐसे घर में भगवान नहीं आ सकते। जिस घर में अग्नि देव के ऊपर मांसाहार बनाया जाए, जिस घर के लोग मदिरा पान करते, जिस घर के लोग मांसाहारी हैं, ऐसे घर में भगवान नहीं रह सकते। ऐसे घर में तो दरिद्रता ही आएगी, ऐसे घर के लोग बीमारी से घेरे हुए रहते हैं। इसलिए अग्निदेव का सम्मान करें। और उसके बाद में घर के दरवाजे पर, मैंने आपको पूर्व में भी निवेदन किया था, घर के दरवाजे पर स्वस्तिक चिन्ह हो, शुभ लाभ लिखा हुआ हो, क्योंकि ये हम जब भी बाहर से आते हैं तो घर के दरवाजे का दर्शन पहला होता है, तो दर्शन में स्वस्तिक चिन्ह हो और शुभ लाभ लिखा हो तो ये एक मंगल दर्शन है। जो भी घर के अंदर आए और आप भी बाहर से आए तो सर्वप्रथम ये मंगल दर्शन के साथ में घर में आप प्रवेश करें। जैसे मैंने आपसे निवेदन किया, एक लोटा जल मंदिर में क्यों रखें और उस जल का क्या करना चाहिए, आपने सुन लिया। अपने जीवन में इस बात को उतारो, धारण करो, जीवन धन्य हो जाएगा। प्यार से बोलो।